शर्म है, ये माँ बाप की सोचो, ये वो करो है तुम्हारा, चैनल बंद कर दो भी, अच्छा काम भी करो तो भी हेट्स तो मिलते ही मिलते हैं, ऐसा भी गाली मत दिया करो यार, वो भी बुरा भी लग जाए किसी ऊपर चल रहा है। 500 सब्सक्राइबर्स के होने की खुशी में ये रहे आइसक्रीम पार्टी। मुझे ना यूट्यूब की तरफ से अभी जस्ट एक मेल आया है, उसमें गाइस फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं। इसे मना किया हुआ तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, हम दोनों हिंदू एंड ये मुस्लिम है, बट गाइस वो रामोनू ले रहा है ऑर्डर। ये मेरा 100th वीडियो है गाइस, 500 सब्सक्राइबर्स होने खुशी में ना मैंने बैनर मेरा चेंज कर लिया हुआ है। तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे एंड आज का व्लॉग है ना आपके रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि बस इन्हें कॉलेज के एंड अपने क्लासरूम का व्लॉग्स मत बनाओ, घर में कैसे रहते हो एंड क्या क्या करते हो एंड ऑल वो सब भी हमें दिखाया करो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज संडे है एंड आज मैं घर पे हूँ, फ्री हूँ। ऑल्दो कल मेरा CA है, CA वो एग्जाम होता है जो कि आपकी फाइनल एग्जाम में ऐड होगा, फाइनल मतलब मार्कशीट में ऐड होगा वो है, तो उसका भी मुझे प्रिपरेशन करना है। कल मैथ्स का CA है मेरा एंड मैंने अभी सो के उठ चुका हुआ हूँ, 9:30 हो रहा है अभी। मैंने है ना ब्रश किया एंड फिर बस अभी मेरे को है ना नाश्ता वास्ता बनाना है, आज मेरा टाइम है कुकिंग का। इसके लिए मैंने कल रात मैंने मेरे बालों में ऑयलिंग की हुई थी, तो मैंने है ना इसमें नारियल तेल एंड फिर प्याज का तेल मिला के लगाया हुआ था, तो वो लगाया था एंड अभी मैं नहाऊंगा तो शैम्पू कर लेने वाला हूँ। तो अभी है ना मैं नाश्ते का तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अब 10 बज चुके हुए हैं। गाइस दलिया बन के रेडी हो चुका हुआ है, ये रहा आज़र खा रहा है एंड मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए। अभी है ना ये वाला वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ, सो फाइनली अपलोड हो चुका है गाइस। ये सर है ना जा रहा है दूध लेके आएगा एंड चिकन लेके आएगा, फिर बाद में फिरता हूँ बनाने के लिए, बाय बाय। मेरा कल है ना मैथ्स का CA है एंड मैंने एंड यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं किए हुए हैं, इतना सारा पढ़ना है अभी, ये सब पूरा पढ़ना मेरे को बाकी है अभी। CA है तो कुछ मन भी नहीं कर रहा यार करने का, कल मैथ्स का है, फिर बाद में सॉफ्ट स्किल का रहेगा, फिर पाइथन का रहेगा, CAC का रहेगा, सब कुछ है पढ़ना है, पता नहीं कब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ मन नहीं कर रहा है। कल छुट्टी था, कल हमने ऐसे टाइम पास कर दिया हुआ है, एक मैं लेके बैठता हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर मन करता है फ़ोन चला लेता हूँ, तो यही हाल हो रखा हुआ है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। अब देखते हैं आज क्या करता हूँ, कल मैथ्स का CA है तो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हो ही जाएगा। मैथ्स वैसे भी तो डिफिकल्ट नहीं है, मैट्रिसेस है जो 12th में मैंने पढ़ा था, मेरी 12th की मैम काफ़ी अच्छी थी तो मेरे को काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन किया था, तो मेरे को उतना मुश्किल नहीं हो रहा है मैथ्स में। मेरे नाक पे किया अजीब सा नया निकल गया, इसको इग्नोर मारना थोड़ा, पूरे ब्लॉग में दिखेगा ये। पापा चल लाइट चल कर गया, छाता लेके जाना, पापा जरा छाता लेके आया तो, हाँ लेके जा, बंद कर वापस आ, बोलूँगा तब आना, हाँ आ जा। सो फाइनली गाइस अजहर आ चुका हुआ है चिकन एंड दूध लेकर के, बेचारा बहुत पसीने से आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, इसके लिए अभी ऐसे चिकन लेता हूँ एंड मैं मैरिनेशन के लिए रखता हूँ। आप इसको देखो, आज इसका बर्तन धोने टर्न है, लेकिन ये है ना मोनू को भिड़ा दिया है बर्तन धोने के लिए, टैलेंट बहुत है बंदे में। तो फाइनली मैं सब कुछ तैयारी हो चुका हुआ, मैंने काट पीट लिया है, अब मैं ना बनाना स्टार्ट करता हूँ। एंड हाँ, कमेंट में वो भी बोला था कि अगर नॉनवेज बना रहे हो तो वो भी दिखाना, तो मैं आज वो भी दिखाने वाला हूँ आप लोग को। आज के लिए मैंने यहाँ प्याज काट लिए हैं, चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था एंड यहाँ पे टमाटर है, ये सारे मसाले मैंने निकाल के रखे हैं एंड ये मिर्ची एंड यहाँ पे खड़े मसाले हैं एंड उसके नीचे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है एंड आज मैं कुकर में बनाने वाला हूँ। पहली बार कुकर में बनाने जा रहा हूँ चिकन, पता नहीं कैसा बनने वाला है, देखते हैं एंड ट्राई करते हैं, क्योंकि है ना चिकन कुकर में जल्दी बन जाता है एंड लास्ट टाइम मैंने पतीले में बनाया था जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड यहाँ पे जब कुकर ऑलरेडी अवेलेबल है तो कुकर में बनाते हैं। वहाँ पे कर्नाटक में मम्मी कुकर दे देनी थी बनाने के लिए तो कुकर बनाते नहीं थे, बट यहाँ पे तो कुकर है ही ना हमारे पास, तो आराम से कुकर में ही बनाते हैं एंड देखते हैं कैसा बनने वाला है। कुछ गड़बड़ हुआ तो ये मत बोलना, सड़ा हुआ बनाया था चिकन ब्लॉग में दिखा देता है भाई। ये ना बहुत ज़्यादा पागल है, बहुत ज़्यादा एकदम कर रहा था, बोला चल वीडियो में बोल रहे कि वो हो भी जाएगा मेरे को वरना बोलना पड़ेगा, तो बोल रहा है क्या बोलना था मैं भूल गया, देखो फिर कर रहा है। सॉरी मेरी गलती थी, मैं किससे जाके बात कर लिया। मुझे ना यूट्यूब की तरफ से अभी जस्ट एक मेल आया है, उस मेल में क्या लिखा है मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ, पहले मैं वो बना लेता हूँ,
फिर आपके साथ ना आराम से बैठ के शेयर करता हूँ मैं। तो अभी है ना मैंने टमाटर प्याज मसाले डाल दिए हुए हैं। मैंने ना यूट्यूब पे देखा है रेसिपी, अब जैसे उन्होंने बताया ना मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो अब मेरे को भी पता नहीं कैसा इसका रिजल्ट आने वाला है। तो एक घंटा हो चुका हुआ है प्याज गलाते गलाते, मैं प्याज अभी तक नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन सा स्टाइल बताया था मैं अपने अगले बार से कुछ बनाने वाला हूँ स्टाइल में, ये कुछ नहीं बनाने वाला मैं। प्याज अभी भी ऐसा ही है, अब मैं जा रहा हूँ उसमें सीधा चिकन डाल दूंगा एंड बनाता हूँ बस। कुछ ऐसा बन चुका हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ इसमें पानी ऐड कर देने वाला हूँ। फिर बंद कर दिया है एंड अब सीटी मारेगा तो चिकन रेडी हो जाएगा। One hour later. Guys, मैं नहा धोवा के आ चुका हूँ, अब हम सब मिले खाना खाने वाले हैं, तो पहले खाना निकालते हैं एंड फिर खाते हैं। मेरा गाइस चिकन अब कुछ ऐसा दिख रहा हुआ है। मेरा गाइस चिकन भी निकल चुका है थाली में, अब खाने वाले हैं हम लोग इसको। हमने खा लिया है, अभी जो ये हड्डियाँ है ना इनको मैं किसी कुत्ते को दे आता ताकि वो भी खा लेगा एंड ये वेस्ट ना होगा। तो यहाँ पे देखो तो बहुत सारे कुत्ते दिख जाते हैं, लेकिन अब आज जरूरत है मेरे को उनका तो नहीं है, जरूरत क्या है उनको खिलाना है ये तो दिख नहीं रहे हैं। दिखा इसको मैं दे देता हूँ यार, इसको मैंने खाने के लिए दे दिया है, अब मैं ये खाएगा एंड मैं चलता हूँ ना। एक्चुअली गाइस वो वाले घर में था, मैं यहाँ से जब से जा रहा था ना तो मेरे को देख के फिर बाहर आया वहाँ पे एंड फिर मैं उसको वहाँ पे दिया खाने के लिए। गाइस फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं, हम अब एक 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हुए हैं। एंड हाँ मेरे को यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो ये रहा मेल में, मेरे को ये लिखा हुआ था कि आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं। सो ऐसे में सपोर्ट करते रहना गाइस, अभी मेरे को वॉच टाइम कंप्लीट करना है, फिर बाद में मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपने 500 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर दिए हुए हैं, अब नए अपडेट के हिसाब से ना मुझे 3000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है, तो वो भी आप जल्दी कंप्लीट करा दो। हाँ मेरे को पता है आप में से ना बहुत सारे लोग नए नए देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये देखो चैनल के जो सब्सक्राइब किए हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए उनका रेशियो देख लो क्या है, इसलिए प्लीज़ यार आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड हाँ आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मसलेदार होने वाली है, क्योंकि है ना मैं कुछ है ना हेट कमेंट्स को पढ़ने वाला हूँ, मेरे को जिससे जो कमेंट आया हुआ है, तो आगे वीडियो बने रहना, मैं कुछ देर बाद पढ़ता हूँ मैं हेट कमेंट्स को मेरे। देखो है ना पाइथन करना है कोट एंट्रा पे, पर वो करने पहले ना हम चलते हैं अपने है ना यूट्यूब पे एंड थोड़ा कमेंट्स पढ़ते हैं। तो मेरे को है ना हेट कमेंट्स पढ़े गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है, तो मैं आपको भी साथ में शेयर करता हूँ। आपको तो आपको हंसी आएगी, मेरा बेइज्जती हुआ है तो फिर आपको तो और अच्छा लगने वाला है। मेरे को टेंशन नहीं है, कोई भी कमेंट करते रहो, मैं आराम से पढ़ के खुश हो रहता हूँ, हंस लेता हूँ, मजा आता है। इस 500 सब्सक्राइबर्स होने खुशी में ना मैंने बैनर मेरा चेंज कर लिया हुआ है, ये वाला बैनर काफ़ी सही दिख रहा है मेरे को देखने में। मेरे 99 वीडियोस भी हो चुके हैं गाइज, एंड ये वाला व्लॉग जो आप अभी देख रहे होगे प्रेजेंट मेरा 100th वीडियो है गाइज, 99 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, एंड ये अपलोड जो होगा ना तो ये 100th वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे। मेरा टाइम पास अब बेइज्जती कराने की बारी आती है, अब मैं अपना ना हेटर्स का कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ ये रहा ये वाला, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा साइड्स में जो भी कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ मैं, और सारे कमेंट्स को मैं जो ऐसे जो वर्ड्स है ना जो नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड्स मैं नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूंगा भी थोड़ी देर के लिए रखूँगा ताकि है ना सब लोग ना पढ़े उसको, जिसको मन होगा पढ़ने के लिए आप पॉज करके वीडियो पढ़ लेना, क्योंकि है ना वर्ड्स कुछ अजीब अजीब मेरे को गाली दिए हुए हैं इस टाइप के हैं इसके लिए, बट मेरे को कोई टेंशन नहीं है यार, हर जगह हेट्स होते हैं, तो अगर कुछ अच्छा काम भी करो तो भी हेट्स मिलते ही मिलते हैं, सो मेरे को इसका प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखना है लिखो, जैसा जिसको फील हो रहा है जो लिख सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी गाली मत दिया करो यार, वो भी बुरा भी लग जाए किसी दिन ऊपर चल रहा है। यहाँ पे ना एक्चुअली 1 मिनट पे मैंने है ना मेरा फर्स्ट डे कॉलेज था तो मैंने आउटफिट दिखाया था मेरे, मैं पता है अपना आउटफिट इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आज मैं कौन सा ड्रेस पहन रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। ऑफकोर्स ब्लॉग चैनल गाइस, तो मैं अपना सब कुछ दिखाने वाला हूँ क्या कर रहे हैं। एंड हाँ इफ मैं किसी चीज़ में है ना किसी का प्राइस बता रहा हूँ कि हाँ इतना हो गया या फिर मेरे को इतना खर्चा हो गया इस महीने में या फिर ये मुझे इतने रेंज का पड़ गया, तो वो मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो ना तो आपको भी आइडिया मिले कि कितना खर्चा आपका हो सकता है एंड ये चीज़ क्या चीज़ में आ सकती है, आपको आइडिया मिल सके। एंड आप ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एंड किसी ने मुझे ये भी कहा रखा है चाहे कि फालतू का वीडियोस बनाते रहते हो, ये है आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखो शर्म है, ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आके ये कर रहे हो, माँ बाप की सोचो, ये वो करो लिखा हुआ है एंड फिर बाद में यहाँ पे लिख रखा हुआ है एक कंप्यूटर लैंग्वेज अच्छे से आती नहीं। एक भाई मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेरा है ना 12th का रिजल्ट अपलोडेड है, तो वहाँ पे जा करके मेरा चैनल रिजल्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं CS का टॉपर था मेरे कॉलेज से एंड CS में 100 में से 100 आया हुआ था। मैंने C++ और HTML ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक भी कंप्यूटर लैंग्वेज की मुझे नॉलेज नहीं है, ये बिना जाने कहाँ से बोलने का आगे। और था गाइस वो मेरे को बहुत गाली दिया था उस कमेंट से, मैंने आज अचानक से उसको देख लिया था थोड़ी देर पहले, 5 मिनट हुआ होगा मेरे को उसको देखे हुए एंड काफ़ी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, तो उससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। गाइस वो रहा ये देखो, इन्होंने लिख रखा है भाई अगर काम की इन्फॉर्मेशन ना दे सको तो बी मत दिखाया करो व्लॉग में, L जैसा व्लॉग है तुम्हारा चैनल बंद कर दो बी।
अब मैं है ना अपने व्लॉग में इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये कपड़े मैंने कहाँ से लिए हैं, या फिर ये लैपटॉप मेरा इतने का पड़ा है, ये घर का रेंट इतना है, ये घर का लोकेशन यहाँ पे है, तो आप कहो कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। एंड इफ मैं अगर नहीं बता रहा हूँ तो आप कहो कि कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है व्लॉग में। तो अब मैं दूँ तो दूँ क्या एंड करूँ तो करूँ क्या, आप ही बताओ ना मेरे को। फिर अगर मैं किसी चीज़ का प्राइस नहीं बता सकता हूँ, किसी चीज़ का आपको मैं ना रफली आइडिया नहीं दे सकता हूँ, एंड फिर मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा ब्लॉगिंग चैनल यार टेक चैनल नहीं जो मैं अनबॉक्सिंग करता फिरूँ या फिर कुछ और करता फिरूँ। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते रहे, इसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को देख करके। ऐसे गाइस काफ़ी सारे कमेंट आ चुके हैं कि भाई आपका सेमेस्टर फीस कितना लगा, आपका पीजी मिला करके एंड ऑल वहाँ पर रहने का ये सब का खर्चा कितना लगा, तो ये सभी कमेंट्स बहुत सारे आते रहते हैं। इसके लिए आपसे शेयर करते रहता हूँ कि ये चीज़ में कोई इतना इतने का पड़ रहा है, ताकि आपको आइडियाज़ मिलते हैं। यहाँ पर देखो मत जा भाई, बड़ा पछताएगा, जॉब नहीं लगेगी। कॉलेज कौन सा भी हो, अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स ये बात है मेरी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली, एंड इफ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ज़रूर लगेगी ही लगेगी, एंड मैं एक ना एक दिन सफल जरूर होऊंगा, वो मेरे को पूरा विश्वास है, वो होके ही रहूँगा मैं। गाइस कुछ ऐसे कमेंट्स भी रहते हैं ना काफ़ी अच्छे लगते हैं पढ़ के। मैं अभी है ना बस 8th यूनिट पे ही हूँ, एंड अभी मुझे है ना 14th तक कंप्लीट करना है, जो कि कुछ है ना यहाँ तक आने वाला है। एंड कल मैथ्स का सी ए भी है एंड ये भी करना है। फिर HTML वाली मैम ने कहा है 35 तक कंप्लीट करना चाहिए उनका, अभी मैं उनके में तो आई गए 7th या 8th में हूँ उस तरह भी। पता नहीं मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार, बहुत ज़्यादा इतना सारा करने के लिए रह गया है मेरे पास अभी। A few moments later. तो अभी है ना हम लोग ड्रीम गर्ल 2 देखने वाले हैं, तो हमको है ना उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो HD मूवीज में हम सर्च कर रहे हैं, मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। फिर आ गया ना ये रहा, ये रहा आ गया, यही ये है ड्रीम गर्ल 2। पहले ड्रीम गर्ल 1 देखते हैं, दोनों डाउनलोड कर ले। पता है ड्रीम गर्ल 2 मेरे को देखने इसके लिए मन कर रहा है, ट्रेलर मैंने देखा काफी सही लग रहा है, तो अब ड्रीम गर्ल 2 देखना है तो 1 भी देखना ही पड़ेगा, तो इसके लिए 1 भी डाउनलोड कर रहे हैं, पहले 1 देखेंगे एंड फिर 2। ये प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, 5 सब्सक्राइबर्स बस मेरे हुए हैं, मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ है, हाँ स्पॉन्सर भी नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी वॉच टाइम कम्प्लीट होगा तो फिर पैसे ही पैसे होंगे, पर पहले मोनेटाइज तो होना है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो यार, सपोर्ट करो, ज्यादा और वॉच, हाँ ये बात भी है, ऐसा नहीं फिर सब्सक्राइब ही मत करना, आप जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब भी करो एंड वीडियोज देखते रहो एंड लाइक करते रहो। लोग को है ना यहाँ पे आए हुए 1 महीना हो चुका हुआ है, एंड हम कितने बार हज़ार को बोलेंगे हज़ार नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, पर नमाज नहीं पढ़ता है वो। मुश्किल से इसको कई बार बोले ना तो एक संडे को पढ़ा था, वो भी 3 हफ्ते शायद पहले पढ़ा होगा वो, एंड हम बोलते रहे नमाज पढ़ ले, कैसा मुस्लिम यार, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, कि नहीं पढ़ता है। हम अपना पूजा वूजा करते रहते, कहते कि तू भी नमाज पढ़ ले, लेकिन इसको पढ़ना ही नहीं होता है। आज फाइनली उतने दिन से सुनने के बाद आज पढ़ने आज ये जा रहा है, उतने दिन सुनने के बाद फाइनली ये रेडी टू हर्ट इस नमाज पढ़ने के लिए। अब सफाई वफाई वहाँ पे कर रहा है एंड वहाँ पे वो नमाज पढ़ने वाला है। हाँ आप लोग ये मत बोल देना कि हमने इसे मना किया हुआ तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, हम दोनों हिंदू एंड ये मुस्लिम है, बट हम तीनों साथ में रहते हैं, हमने इसे कभी मना नहीं किया कि तू ये काम मत कर, एंड इक्वालिटी ही है हमारे। हाँ एंड ना वो हमें कुछ मना करता है करने से, ना हम मना करते हैं कुछ करने से, तो हमारे बीच में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे ना फ्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे ना हमने भगवान के फोटोज एंड ऑल रखे हुए हैं, तो हम वहाँ पे पूजा कर लेते हैं। हमने अजहर को भी कह रखा है कि देखो जहाँ पे जो रखना है तू रख सकता है, हमें कोई इशू नहीं है, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही है ना प्रे कर लूँगा, मन में कोई जरूरत नहीं कुछ रखने की। तो इसके लिए मैंने ये भी कहा था, अगर देखो अगरबत्ती जलाना है तो अगरबत्ती हम खरीद के रख लेते हैं, अगरबत्ती हम भी जला लेंगे तू भी जला लेना, बट इसने कहा नहीं मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसी नमाज पढ़ लूँ काम हो जाएगा। तो हमने धूप रखा हुआ है क्योंकि धूप छोटा सा रहता है ना, तो उसका जलने के बाद कुछ निकलेगा नहीं, एंड इसके लिए तो हम धूप ही जलाते हैं। सो कल सी ए है ना, लगता है उसके लिए पढ़ने जा रहा है, ये कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा गाइस अभी हमने है ना जोमेटो से है ना 2 आइसक्रीम ऑर्डर किया हुआ है, जो बड़ा वाला आता है 110 ml का, तो वो हमने 2 किया, एक ब्लूबेरी का किया है एंड कुछ चॉकलेट वाले किया, हमने कुकीज़ वाला कोई फ्लेवर किया है, तो 36 मिनट्स दिखा रहा है, फिर 36 मिनट में आने वाला है वो। एंड मैंने पता है मेरा एक दिन मेरा 500 सब्सक्राइबर्स होने के पहले एक दिन पहले ही मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, एंड वो खाया था ना, एक दिन पता चला मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि अब तू पार्टी दे, मैंने कहा कि वो पिज़्ज़ा खाया ना वही पार्टी समझ चल लो बस। एंड इस बार जो आइसक्रीम आ रहा है ना वो इन लोग की तरफ से है, यानी कि वो ये लोग खिला रहे हैं आइसक्रीम मेरे को। इस रिंग लाइट काफ़ी दिन से चल नहीं रहा था, तो इसको तोड़ फोड़ करके निकाल रहा है एंड ये ओपन हो गया है। एक्चुअली है ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है कहीं पे, तो इसके लिए जल नहीं रहा था, वही इसको देख रहा है कि क्या हुआ है गड़बड़ इसमें। वैसे भी इंजीनियरिंग करने आएगी, हाँ बीटेक ऐसे भी करना है, बट CSE से। यहाँ पे गाइस ड्रीम गर्ल 2 डाउनलोड हो रहा है, 1.4 GB हो चुका हुआ है 3.9 GB का, फिर इतना डर रहा है यहाँ पे रख करके वहाँ पे खुद बैठा है एंड वहाँ पे स्विच लगा हुआ है, वहाँ पे से काट के हमने बीच का निकाल दिया हुआ है वहाँ का पार्ट, फिर भी नहीं चल रहा है। गाइस जल गया रिंग लाइट जल गया, ए इसे चाकू से कुछ नहीं हुआ गाइस, चुपके चाकू लेके बैठ गया ये, कुछ नहीं हुआ इसे। इसका चैनल है, इसका वीडियो तो ये अपना बता रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा था कुछ नहीं किया गाइस, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लगाया ना, अभी देखो मैं तिरछा करूंगा, बंद हो गया ये, देखो बंद हो गया ये, यहाँ पे गड़बड़ लगा हुआ था एक्चुअली।
आज ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए, आज ही नहीं मतलब कल परसों में हुए हैं, एंड आज मेरा है ना 100 वीडियो ये होने वाला है। वाह कितनी खुशी की बात है, 500 सब्सक्राइबर्स एंड 100 वीडियो, वाह वाह। फाइनली गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है, नीचे भैया आ गए, मुझे कॉल कर दिए, मैंने मोनू को भेजा है एंड वो गया लेने के लिए। वो रहा गाइस, वो रहा मोनू ले रहा है ऑर्डर, तो आइसक्रीम लेके आ गया। ये देखो 70 रुपये का पड़ा है ना, एक 70 रुपये इतने से दोनों मिला के 160 रुपये, पता है हमको GST पड़ा है इसे 15 रुपये का। 230 सब्सक्राइबर का है ये। हाँ बस, हाँ क्लाइमेट ना बहुत ज्यादा हॉट है, ऊपर से मैं भी यहीं पे हूँ तो और ज्यादा हॉट हो चुका है। अरे वाह, कुछ भी बहुत ज्यादा होने के कारण हमने आइसक्रीम मंगाया हुआ है, एंड ये आइसक्रीम इतनी तुसा है पता नहीं कब किधर चल रहा है, पेड़ पता नहीं चलने वाला है। जोमेटो का एक टेप लगा हुआ है पतली सा, एंड यही आइसक्रीम। गाइस जो दोनों हमने आइसक्रीम ऑर्डर किया था, एक कुकीज वाला है एंड एक ये है ब्लूबेरी वाला। गाइस आइसक्रीम अभी तो जमा पड़ा है, घुस भी नहीं रहा है। हाँ ये रहा गाइस आइसक्रीम वाला, ऐसा दिखता है कुछ अंदर से, जल्दी से लटो मेरे को खाने दो। एंड ये रहा ब्लूबेरी वाला, ये कम जमा हुआ है, ये कुछ ऐसा दिखता है, सही लग रहा है। ये वाले ज्यादा टेस्टी ना, ये वाला लग रहा है हमको, एंड ये कुछ ज्यादा जमा हुआ है इसके लिए। ये कौन सा था? ये तो स्नैप लेना स्टार्ट कर दिया ये। इसमें चॉकलेट आइसक्रीम का तो छोड़ो, लास्ट में जो चिपका हुआ था ना वो ज्यादा सही था। आजा तू खा ले। ये गेड़ा कहेंगे पता है, फड़ाक फड़ाक दोनों में से ले खा गए, खत्म हो गया, हमारे बचा नहीं। लास्ट का फड़फड़ा बड़ा चम्मच ले लिया था, खा लिया हम लोग, ये चम्मच से निकालते रह गए और ये चम्मच ले लिया था कि हम फड़ाक खा गया सारा, कोई नहीं इसको साफ करने का। हाँ फाइनली गाइस आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लिए हुए, एंड ईयरिंग लाइट फाइनली बन चुका है, सोचा क्यों ना यूज कर लूँ मैं अभी, ये अच्छे से लगा नहीं है पर चल रहा है, वो झटका लग गया, एंड ये मेरा आखिरी व्लॉग है। फाइनली गाइस ड्रीम गर्ल 2 स्टार्ट हो चुका हुआ है यहाँ पे, एंड अभी हम देख रहे हैं ड्रीम गर्ल 2। ज्यादा रिकॉर्ड मत करिएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, वरना बस इतना काफी है गाइस, बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस हमने शट डाउन कर दिया है, क्योंकि अभी हमको ना मैथ्स में बहुत सारा पढ़ना है, कल CA है हमारा, एंड अभी तक ये सब बचा हुआ करने का, तो ये पहले कर लेते हैं, वरना ये सब कल CA में आ गया तो लुट जाएंगे हम लोग। करना स्टार्ट करते हैं, मैंने ये पेड़ा लिया है जो काफ़ी सही लगता है खाने में। फिलहाल गाइस अभी रात हो चुका हुआ है, 10 बज गए, हमने खाना पीना खा लिया है, अभी हम दूध लेने आएंगे, कल सुबह 9 बजे क्लास है, दूध पहले लेके आना होगा, अभी ले लेते दूध एंड फिर घर पे चलते हैं। गाइस यहाँ पे एक दुकान दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं। गाइस फाइनली दूध मिल चुका हुआ है, तो फिलहाल गाइस हम आए हुए हैं ATM पैसा निकालने के लिए, अभी अनेबल टू डिस्पेंस कैश यू में प्रोसीड विद द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वेलकम हो गया। ये तो पैसे ही नहीं दिया हमको, ऐसी टाइम पास कर दिया हमारा। यहाँ पे हवा काफी अच्छा आ रहा है गाइस, बाहर निकलने मन नहीं कर रहा है, ऐसी चल रहा है, फ्री का यहाँ पे मस्त है, ऊपर कैमरा लगा हुआ, पता नहीं बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। SBI शायद यहाँ पे मिल जाए पैसा, यहाँ तो वेलकम, बट यहाँ पे ऐसी तो चल ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, वो क्लोज ही है, शायद यहाँ मिल जाए पैसा। तो घर पहुंच चुके हुए हैं, अभी मैं हल्का सा पढ़ने वाला, कल एग्जाम है तो, एंड फिर सो जाने वाले हम लोग। ठीक है गाइस अब मैं मैथ्स करता हूँ, एंड आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड हाँ वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूँ बहुत जल्द ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड गाइस।